कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए ये मैक का वाटरप्रूफ 4-in-1 कॉम्बो लेकर आई हुई हूँ। ये थी इसकी पैकेजिंग, मैंने आप देख सके मंगाई थी। इसका रेट थे 242 रुपीज़, मैंने पे किए थे 533 रुपीज़। मैं इसको ट्राई करना चाहती थी, तो ये थी इसकी पैकेजिंग। और इसके अंदर ये बबल रैप होकर नहीं आया था, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ मैं इसके लिए। तो ये है वो मैक कॉम्बो, इसमें 3-in-1 लिखा हुआ है, बट ये 3-in-1 नहीं है, इसमें 4 मिले थे मुझे। इसका नाम फॉल्स लैश इफेक्ट है। इसमें ये वाटरप्रूफ करके यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, क्लासिक लगी मुझे, मुझे बहुत पसंद आई। पैकेजिंग की बात करूँ तो इस पर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, बट इसमें MRP रेट कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो इसी का डाउट है कि ये कहीं फेक तो नहीं, इसका भी मुझे डाउट है, बट कोई बात नहीं। इसके बाद ये लिक्विड आईलाइनर वाटर प्रूफ करके लिखा हुआ है, ये आईलाइनर है, देख सकते हैं। इसका ब्रश थोड़ा हार्ड है, डार्क ब्लैक है इसका कलर। ये वाटरप्रूफ भी है, मैं आपको इसका स्वैच भी दिखा दिया है। अगर आप क्रिएट करते हैं तो, अगर आपको बोल्ड लुक होना हो तो ये ट्राई कर सकते हैं। इस पैकेजिंग में 4 आए थे, इस तरफ आईलाइनर है, इस तरफ पेंसिल है, इस तरफ आईब्रो पेंसिल, मस्कारा और काजल, चारों के चारों हैं इसमें। ये आईलाइनर का स्वैच मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट वन ये मस्कारा है, ये मस्कारा। इस पर आपको क्वांटिटी लिखा हुआ है 13.1 ml करके, ये मेड इन कनाडा है। इस पर भी कोई रेट मेंशन नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जेल है, आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर जेल है, यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं है, आप देख सकते हैं, बट ये आपको नेचुरल लुक देता है। इस जेल को अच्छी तरह से आप डिप करेंगे तो थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन आपको मिलेगा, और आपके आईलैश तो फुल तो कवर नहीं होते हैं, बट यही थी इसकी पिगमेंटेशन, मैंने आपको दिखा दिया है। ये काजल है फ्रेंड्स, आप एक काजल को देख सकते हैं, यहाँ पर टूटा हुआ है अंदर, इस बॉक्स के अंदर से ही टूटा हुआ मिला है मुझे, जानबूझ के उन्होंने ये टूटा हुआ भेजा है मेरे लिए। स्नैपडील का था, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, ये भी टूटा हुआ ही मिला है मुझे, देखिए, देख सकते हैं, टूटा हुआ ही मिला है। बहुत डिसअपॉइंट हूँ मैं इस प्रोडक्ट के लिए। लास्ट वन ये आईब्रो पेंसिल है, ये ब्लैक कलर है, ये ब्राउन कलर नहीं है। अगर आप अपने क्रिएट करेंगे तो अपने ब्राउज को ये नेचुरल लुक ज़रूर नहीं देंगे। इसका टेक्सचर क्रीमी है, बट ये नेचुरल लुक नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे। इन चारों में यार, और ये मस्कारा ही वाटर प्रूफ है, बट ये जब ये आईलाइनर हम लगाते हैं तो इसके पार्टिकल्स जल्दी से नहीं छोड़ते हैं, देख सकते हैं। ये वाटर प्रूफ है, जितना भी आप करोगे ये नहीं जाएगा, ये वाटर प्रूफ ही है। अगर आप ऑयल से क्लीन करोगे तो चल जाएगा। इसके पार्टिकल्स बहुत हार्ड हैं, अपने आँखों में लगा तो थोड़ा इरिटेशन होता है, तो इसका ध्यान रखिए। ये इन चारों में ये दो ही वाटर प्रूफ था, ये दो वाटर प्रूफ नहीं है, पता नहीं इसमें वाटरप्रूफ क्यों लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए मेरे चैनल। देन बाय गाइस।